ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लाइफ पर बन रही एक मूवी एंड विवेक ओब्रॉय निभाएंगे ये किरदार लेट्स टेल यू मोर डिटेल्स एक्टर विवेक ओब्रॉय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लाइफ पर बेस्ड फिल्म में नजर आएंगे ओमन कुमार डायरेक्टेड इस फिल्म का पोस्टर सेवन जनवरी को रिलीज किया जाएगा जिसे खुद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडनविस रिवील कर सकते हैं इस फिल्म की शूटिंग मिड जनवरी से शुरू होगी और कहा जा रहा है कि फिल्म के पोस्टर को तेईस लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा विवेक ओबरॉय प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी ये बात मुझे जब पता चली जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा लाइक रियली पहले तो परेश रावल साहब प्ले कर रहे थे ना एग्जैक्टली exactly. कर रहे थे एंड दैट इज व्हाई इस ट्विस्ट की वजह से जब जनवरी 7 को ये पोस्टर रिलीज होगा एंड लेट मी टेल यू द पोस्टर इज रिलीजिंग इन 23 लैंग्वेजेस बहुत बड़ा रिलीज हो रहा है ये इन फैक्ट महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आएंगे इस लॉन्च के लिए एंड

जिस तरह से वो दिखे हैं जिस तरह से वो चल रहे थे उनके चलने का स्टाइल उनके बोलने का स्टाइल एग्जैक्टली लग रहा था दैट स्क्रीन पे आप मनमोहन सिंह साहब को देख लो बट exactly. क्या विवेक ओब्रॉय यू uh, नो you know, इतना बड़ा टास्क exactly. कर पाएंगे वी हैव टू से इट्स अ कमबैक फॉर हिम राइट एंड इट्स अ ह्यूज कमबैक फ्रॉम विवेक ओब्रॉय इट कुड मेक और ब्रेक हिज करियर अगेन लाइक दिस इज वन ऑफ दोस प्लेसेस इफ ही रियली पुल दिस ऑफ नो ही इज गोना बी at another level and i think i'm kind of rooting for Vivek. yeah you know because mujhe bhi lagta hai aap na uh, kisi ko jab tak aap final product dekh na lo tab tak judge nahi kar sakte because exactly. humne sabne socha tha sanju ke time pe ranbir kapoor sanje dad exactly. kaise hoga yaar ki but... biopics mein ye काफी difficult Haan. hota hai to become somebody else i mean that's the real test of an actor and Vivek ubray agar is pe khade utre hmm. he would finally prove himself that he has it in him but gunjan believe me abhi tak hum bol rahe the na the accidental prime minister is uh, one of the most controversial political Uh, ये मूवी भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी से घिरी होने वाली है और इस मूवी के बारे में ये भी कहा जा रहा है दैट 2019 जो जनरल इलेक्शंस होने वाले hmm. हैं बहुत ही जल्द आने वाले हैं अब तक इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है बट ये कहा जा रहा है कि इसकी करके इसे की के करना चाहते। I mean, exactly. उस टाइम पर पूरी स्टोरी uh, बनने की बात आ गई थी फिल्म की बात आ गई थी परेशल बट जस्ट बिकॉज के गुजरात सी एम हीम indian prime minister and they said we have to do the movie now the scale is different the story is different and that is why the movie was shelved and ab they feel like this is the right time we feel it's the right time and i think it's the right time for vivek oberoi to really stun us because we are waiting for that